हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट। फ्रेंड्स, महिंद्रा फिनांस की ओर से सितंबर क्वार्टर के फिनांशियल रिजल्ट पेश हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। अनऑडिटेड फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। सेकंड क्वार्टर हाफ ईयर एंडेड का स्टैंडअलोन कंसोलिडेटेड दोनों फिनांशियल रिजल्ट आउट हो चुका है। आज के इस वीडियो में कवर करेंगे। नंबर्स की बात करें, करोड़ में दिए गए, हम लोग कंसोलिडेटेड को कवर करेंगे। इनकम की बात करें तो इस बार का कंपनी इनकम जनरेट किया है। अगर देखा जाए तो लास्ट ईयर इनकम था कंपनी का 3863.4 करोड़ का और इस बार का इनकम है 4479 करोड़ का। इनकम ईयर ऑन ईयर तो बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे नतीजे देखने को मिला, लेकिन ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर में 4354.9 करोड़ का इनकम था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर का भी इनकम इंक्रीज किया है। एक्सपेंस लास्ट ईयर था 3494.3 करोड़ का और इस बार 3970.6 करोड़ का एक्सपेंस हुआ था। एक्सपेंसेस भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 3712 करोड़ का एक्सपेंस था और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस क्वार्टर ऑन क्वार्टर में हुआ, इसके कारण प्रॉफिट में डाउन है। और बिफोर टैक्स कंपनी का प्रॉफिट है लास्ट क्वार्टर ईयर में था 383 करोड़ का और करंट क्वार्टर में 522.9 करोड़ का इंक्रीज करता हुआ देखने को मिला है, लेकिन लास्ट क्वार्टर में 661.4 करोड़ का एक्सपेंस ऑपरेटिंग प्रॉफिट था जो कि डाउन है क्वार्टर ऑन क्वार्टर में। और ये डाउन होने का रीजन है गाइस, कंपनी का फिनांस कॉस्ट बहुत ज़्यादा चार्ज किया गया है। वहीं अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करेंगे तो लास्ट ईयर था 287 करोड़ का और करंट क्वार्टर में 390 करोड़ का इंक्रीज किया है ईयर ऑन ईयर में। लास्ट क्वार्टर में 497 करोड़ का, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है। इन ईपीएस कंपनी का है 2.27 रुपीज का लास्ट ईयर था, इस बार का 3.14 रुपीज का इंक्रीज हुआ है। लास्ट क्वार्टर में जो 4.02 रुपीज का, लेकिन लास्ट क्वार्टर से डाउन देखने को मिला है। वहीं अगर हम इसके परसेंटेज की बात करें तो ऑपरेटिंग मार्जिन जो निकल के आया, उससे पहले सेगमेंट वाइज बात करें, फिनांसिंग एक्टिविटीज अदर्स इन दोनों से रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर दोनों में इंक्रीज है, लेकिन एक्सपेंस बहुत ज्यादा हुआ था क्वार्टर ऑन क्वार्टर, से प्रॉफिट में डाउन है। प्रॉफिट मार्जिन है लास्ट ईयर था 7.43% का, जो कि इस बार का है 8.71% का, इंक्रीज है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर में डाउन है क्योंकि लास्ट क्वार्टर में 11.4% का मार्जिन था, तो डाउन देखने को मिला है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, बट ईयर ऑन ईयर में इंक्रीज किया है। तो ओवरऑल गाइस, कंपनी का जो रिजल्ट आया ठीक है, रिजल्ट है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर के प्रॉफिट थोड़ा बहुत डाउन हो, इसके कारण कंपनी के शेयर को इंपैक्ट कर सकता है। शेयर की बात करेंगे तो 282.3 रुपीज शेयर क्लोज किया, 2.3% का क्रॉस लॉस हुआ है, 1 वीक में 2% का लॉस है, 1 मंथ में 15% का लॉस है। कंपनी बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखने को मिला है, तो अब देखना ये कि कल कैसा परफॉर्म करता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें डिसीजन ले सकते हैं। तो हम लोग वीडियो कहीं पर एंड करते हैं, अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।